Bismillahirrahmanirrahim. Dear participants, assalamu alaikum. MashaAllah, as usual, hamari ismat pa bhi jo HSE Baithak hai, jo HSE se kam hoti ja rahi hai aur Baithak zyada mashhoor hoti ja rahi hai, multi-dimensional hai, multi-cultural hai, aur mukhtalif field se log yahan pe maujood hain hamesha ki tarah. We can see from Mizan Bank aur CA Chartered Accountant bhi yahan baithe hain, running his own firm. तो आपस में नेटवर्किंग भी आप लोगों की हो जाएगी. ACCA के स्टूडेंट भी मौजूद हैं यहाँ पे, सेल्स डिपार्टमेंट से भी मौजूद हैं कमिंग फ्रॉम गुजरावाला, ICI के प्लानिंग मैनेजर भी मौजूद हैं, हसीन अबीब के अपने जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं वो भी मौजूद हैं, उनके सेल्स मैनेजर भी मौजूद हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हेड भी मौजूद हैं. इस तरह HSE की फील्ड से HSE इंजीनियर स्टाइलर जीन्स स्टाइलर से मौजूद हैं, एंड कंसल्टेंट्स एंड फ्रीलांस के भी लोग यहाँ मौजूद हैं जो HSE में डील कर रहे हैं, एनवायरनमेंट, सेफ्टी, हेल्थ, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, सर्टिफिकेशंस और FM 95 के भी रिप्रेजेंटेटिव आज मौजूद हैं. और द लास्ट पर्सन जो कि सबसे अहम है हमारे लिए वो नबील जहीर. आई अगेन इंट्रोड्यूस हिम के ही इज़ द नेशनल रिकॉर्ड होल्डर. ही ट्रेवल्ड मोर देन 6000 किलोमीटर्स ऑन हिज बाइक टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन थैलेसीमिया, और ये पाकिस्तान के नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हैं. हमारी बैठक का फ्लो इस तरीके से होगा कि हम स्टार्ट में अपना जो बैठक में मोटिवेशन एंड सेफ्टी और इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं और उनको समराइज करेंगे. देन उसके बाद जो ये बैठक है हैंड ओवर हो जाएगी हमारे जो स्पॉन्सर है हसीन अबीब, उनके डिप्टी MD ताहिर बारी साहब के. वो अपने कुछ प्रोडक्ट्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे एंड आफ्टर दैट अगेन नबील जहीर जो है अपना इंट्रोडक्शन देंगे. और ही इज जस्ट लाइक अस बट बेटर देन अस. हमारी तरह स्पॉन्सरशिप्स ढूंढ रहे होते हैं बट इनका कॉज जो है, इनका जो मकसद है वो हमसे कई गुना ज़्यादा बेहतर है. थैलेसीमिया अवेयरनेस समझ सकते हैं, यस प्री लॉन्च आप समझ लें इसको. तो इस जो आज की सारी बैठक है इसी बुक से रिलेटेड है, इसी बुक के आपको चैप्टर्स जो हैं इनको डिस्कस करेंगे जो थ्योरीज में प्रेजेंट की गई हैं. और देन नेक्स्ट बैठक का जो टॉपिक होगा वो भी इंशाल्लाह एंड में हम उसका एक छोटा सा आपको मसाला प्रेजेंट करेंगे क्या होगा. तो एक छोटा सर्वे है, आज हम स्टार्ट करते हैं. सब ने इस दो क्वेश्चन हैं, सोच समझ के छोटी कीजिएगा. Okay, the topic of this battery is basically revamp and win. The book we wrote last year और उसको हम आगे प्रेजेंट कर रहे हैं. बेसिकली रीवैम्प होने क्या चीज़ है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है. डाटा इवन नो कि कौन हमारी बैठक का असल जो है ना वो इसका मकसद है कि लोग सारे पार्टिसिपेट करें. मैंने नहीं बोलना आपको ज़्यादा, आप लोग अपने दिल की बात निकालें और यहाँ से ना बिल्कुल हल्के होके जाएं तो फिर ही मज़ा आएगा. तो आपने अब व्हाट इज रीवैम्प, रीवैम्प क्या है बेसिकली. जिस डगर पे आप चल रहे हैं थोड़ा सा सोचना, थोड़ा सा एक कूल ब्रीथ, कुछ नया, कुछ नया करने के लिए और टू डू द थिंग्स इन अ न्यू वे, सेम थिंग इन अ न्यू वे, रीस्ट्रक्चरिंग, राइट, मॉडिफिकेशन, मेकओवर और न्यू विजन. एक पहले ही चीज चलती आ रही उसको नए तरीके से प्रेजेंट कर देना वो रीवैम्प हो गया. या फिर एक पर्सन जो था डाउन, अपने आपको डाउनग्रेड फील कर रहा था, उसने आपको रीमोटिवेट किया कि वो क्या है, वो भी रीवैम्प है. और क्या है बोले जरा सारे आइडियाज, न्यू आइडियाज यहाँ से लेके न्यू आइडियाज, सेम चीज का नए सिरे से उसको नए तरीके से प्रेजेंट किया. जिस तरह पेप्सी ने लोगो बार बार चेंज किया, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योर, वो भी संभव, यस नो. आप तो हैं फर खजाना से बाहर आइडियाज को प्रमोट करना.
अच्छा रीवैम्प का बेसिकली वर्डली मीनिंग है मेकओवर कि हमने एक चीज था उसको नए तरीके से प्रेजेंट करना स्टार्ट कर दिया व्हाई वी नीड टू रीवैम्प क्यों जरूरत पड़ी मसला क्या था क्योंकि जो जिस चीज से हम पहले चीजों को इंप्रोवाइज कर रहे थे वो नहीं इफेक्टिव थी अच्छा मज़ीद इफेक्टिव बनाने हर किसी चीज में बेहतरी के चांसेस होते हैं उसको और मज़ीद बेहतर करने के लोगों की इंटरेस्ट चेंज होते रहती है लोगों के इंटरेस्ट चेंज होते रहते हैं और इंप्रूवमेंट बेहतर बनाने के लिए यकसानियत से जो इंसानी ज़हन है वो उकता जाते हैं कुछ तब्दीली चाहिए होती है कुछ तब्दीली कुछ बेहतर बनाने के लिए बेहतर नतीजे के लिए ठीक जबरदस्त आप सुन लेना तो रीवैम्प की क्यों जरूरत है आप बताएं यू आर कंसल्टेंट आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं सर्टिफिकेशंस को डील करते हैं यू आर डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं उनको जो है डिफरेंट इंटरेस्ट है लोगों के उसके मुताबिक चीजों को करना ताकि वो ज्यादा अट्रैक्ट करें दूसरों को तो इनोवेशन का एक एलिमेंट इसमें आ जाता है जिससे जो है लोग उसकी चीज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं व्हाट अबाउट आईसीआई आप कैसे करते रहिए दुनिया में एक ही चीज कांस्टेंट है वो है चेंज सो चेंज तो होना होते रहना दुनिया ने तो हमें उसके लिए कुछ ना कुछ रिफ्रेश करना पड़ता है नए आइडियाज लेकर आने पड़ते हैं वी हैव टू रीवैम्प इसीलिए रीवैम्प करना पड़ा तो इसका मतलब है कि इफ वी डोंट चेंज तो हम भटक जाएंगे ऐसे ही है नहीं बिल्कुल ऐड ऑन करें भटकेंगे नहीं लेकिन स्पीड स्लो हो जाएगी या डीमोटिवेट हो जाएंगे लेकिन भटकेंगे अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे पहुंचेंगे लेकिन डिफरेंट पेस से स्लो डिफरेंट पेस से यानी पेस हमारी बिल्कुल कम हो जाएगी या स्लो हो जाएगी या फिर जो काम जिस जगह पे हमने 20 दिन में पहुंचना था उधर शायद हम वो 40 दिन लगा लें 45 दिन लगा लें 4 माह लगा लें स्टैग्नेशन तो जो है वो पॉसिबल नहीं है स्टैग्नेशन जो है हमें अपने आप को जो है चेंज करना पड़ता है क्योंकि एनवायरमेंट इतनी तेजी से चेंज हो रहा है तो हमें अपनी प्रैक्टिसेस अपनी पॉलिसीज अपनी जो है वो वे ऑफ डूइंग वर्क जो है उसको अकॉर्डिंगली जो है वो अडैप्ट करना पड़ता है ठीक है और ये भी हो सकता है कि इस तरह रिवैम्प करने में आप ज्यादा लेट पहुंचे आप पूछेंगे कैसे वो इस तरह कि आप एक नया आइडिया तो ब्रिंग करके लाए लेकिन मे बी उतना इफेक्टिव ना हो जितना पुराना था तो ये आप ज्यादा लेट भी हो सकते हैं तो हमेशा जो चेंजिंग है वो बेहतर भी नहीं होती ख्वाब का तज़िया जरूरी है तो आप जिस राह पर चलना चाह रहे हैं उसका थोड़ा सा पहले तज़िया थोड़ा सा जरूर होना चाहिए ताकि आप राह से भटकना अच्छा बेसिकली यू वांट टू से के आप पहले असेसमेंट करें कि चेंज की जरूरत भी है कि नहीं है वेदर यू नीड टू रीवैम्प और नॉट क्या आप अपने डायरेक्शन में जा भी रहे हैं सही कि नहीं जा रहे आपको इस चीज का पता हो क्या जो पाथ आपने अडॉप्ट किया था वो आपकी मंजिल पे आपको लेके जा रहा है कि नहीं जा रहा ऐसे ही है या जो आपका विजन था जो प्लान था वहां उसको आप मीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे आप अपने केपीआईज को फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे अपने टारगेट्स को डेली मंथली एनुअली क्वार्टरली लेकर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे जो मंजिल आपने सिलेक्ट की थी जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं क्या वो रास्ता आपको उस मंजिल पे लेके जाएगा कि उस मंजिल से आगे ले जाएगा ठीक है या उस मंजिल से पहले ही आपको कोई और नई मंजिल मिल जाए ये चीजों का तजिया करना बड़ा जरूरी है आपका ऐसे ही है जी अच्छा ये हम बाबू सरगना इकट्ठा करते हैं आप लोगों से सो कमिंग बैक टू देयर पॉइंट जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे वैलिड रीजन है रीवैम्प का रीवैम्प को आगे डिस्कशन चलाने के लिए क्या आपने कहा था ख्वाबों ख्वाब पर इन्हसार से पहले ख्वाब का तज़िया जरूरी है व्हाई यू नीड टेलीफोन्स मोबाइल फोन कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन और बस कम्युनिकेशन इन्होंने अभी सेल्फी ली है यार इसके लिए चाहिए बोले ना व्हाई वी नीड टेलीफोन व्हाई वी नीड मोबाइल फोन स्मार्टफोन क्यों एंटरटेनमेंट कह रहे हैं प्राइमरी रीजन क्या है
कम्युनिकेशन कहें या अनइंटरप्टेड कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन तो हो रही है ना, अगर बीच में वो कॉल ड्रॉप हो रही है, मैसेज आगे नहीं जा रहा, सॉफ्टवेयर हैंग हो रहा है, तो क्या वो फिर भी काबिल इस्तेमाल तो नहीं रहेगा फोन? तो बेसिकली अनइंटरप्टेड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, जिसपे आपने अपने जो ख्वाब या फिर जो आपने प्लान किया हुआ है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, सोशल मीडिया है, उस चीज को अंदर किसी किस्म के इंटरप्शन ना आए। आप ईमेल जो है वो रेगुलरली चेक कर, इफ यू आर यूजिंग दैट फॉर ईमेल पर्पस एज वेल, ऐसे ही है, ठीक है। तो ये अनइंटरप्टेड कम्युनिकेशन जो है, ये सिर्फ आईफोन देता है? No? No. Every smartphone. Then why we go for iPhone or Samsung S? क्यों? Taste है ना? Taste है. तो basically iPhone का एक और मकसद भी हुआ taste. Exactly. Entertainment. Yes. और? Features. अब और भी बोले ना, और क्या मकसद हुआ? Brand conscious. Brand conscious हो गया. आप कह रहे हो कि economy depend कर रही है, इसलिए? Economy नहीं. जो पाकिस्तान में लोग हैं वो ज्यादा इन दोनों पर ज्यादा कर रहे हैं कि हमने ये लेना है सैमसंग आईफोन, इनकी ज्यादा मार्केट है, मार्केट से मार के रीसेल हो जाता है, रीसेल हो जाता है। पाकिस्तान में ये भी है ना कि शरीक का मुंह लाल होते अपना बेसिकली हमारी मंजिल क्या है? हमारी मंजिल है अनइंटरप्टेड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, और ये फोन्स क्या हमारे पाथ है। दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन पाथ एंड जर्नी वी कम टू लर्न टुडे। और इसी जब हम पाथ और जर्नी, सॉरी डेस्टिनी एंड जर्नी, मैं रिपीट कर देता हूं, हमारी जर्नी डेस्टिनी क्या है? अनइंटरप्टेड मींस ऑफ कम्युनिकेशन। और जर्नी जो पाथ जो मीडियम हमने यूज करना है वो टेलीफोन। जब हम इन दोनों को में सिलेक्शन में तजाद आ जाता है या फिर इनमें बैलेंस नहीं ना करते, फिर हम वाह वाली बात क्या थी, स्लो हो जाते हैं, या फिर आप वाली बात क्या थी, हम उसका पूरा एनालिसिस नहीं कर रहे, ठीक है। आप वाली बात क्या थी कि ज्यादा चेंज भी जो होता है ना वो भी बंद मंजिल से दूर ले जाता है स्विफ्टली, ऐसी तरह। तो हम अपनी रोजमर्रा की डिसीजन मेकिंग के अंदर इन दो का कंपेरिजन नहीं करते, हमें पता ही नहीं होता कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं, हमारी मंजिल क्या है। तो मंजिल हमारी क्या है टेलीफोन के बारे में? कम्युनिकेट करना, अनइंटरप्टेड कम्युनिकेट करना, नहीं अनइंटरप्टेड कम्युनिकेशन। सो देन व्हाई वी नीड आईफोन, व्हाई वी नीड सैमसंग एस, व्हाई डोंट वी गो फॉर ओप्पो, हुआवे, ऑनर, लॉटरी निकली, शाओमी, लॉटरी निकली है, यस बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हाँ लॉटरी निकली है। क्या लॉटरी निकली है? तो मैंने कहा मैं अभी अगर नोकिया यूज करता हूँ तो मैं हाई चीज पे जाऊँगा, यानी जब हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे आ जाते हैं तो हम अपनी मंजिल भूल जाते हैं, विजन बढ़ जाते हैं, ख्वाहिशात बढ़ जाती है ना। हमारे पास पैसे आ गए हैं, मैं यार अगर 4,000 कमा रहा हूँ, मुझे बोनस मिला है 2,00,000, तो वहाँ बढ़ गए यार, कुछ नहीं होता, ऐसे ही है, मैं अपनी मंजिल से भटक गया। तो अल्लाह ताला देख आजमाते हैं ना। तो अभी आप जिस तरह भटके, आपने कहा लॉटरी निकली तो मैंने आईफोन ले लिया, एक्सेस ले लिया, जो भी इनका प्लस आया 2,25,000 रुपए का, ऐसे ही है। सो दैट विल टेक यू अवे फ्रॉम द योर डेस्टिनी, योर डेस्टिनी आपने। नंबर टू क्वेश्चन क्या था? सो वी हैव पार्टिसिपेंट्स हु सिलेक्टेड मर्सिडीज, प्राडो, ऑडी, उस सुजुकी स्विफ्ट भी एक आया, मेरी तरह का अच्छा शिफा नहीं है, दो सुजुकी स्विफ्ट वाले जिन्होंने एक आईफोन सेलेक्ट किया था, मैं भी था लेकिन वो आपने लिखी सुजुकी कर्टस नहीं लिखी थी। अच्छा द क्वेश्चन मैं रीड करता हूं, यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद वाया मोटरवे, व्हिच कार यू प्रेफर? मोटरवे की स्पीड लिमिट क्या है? 120। आप 140 पे कंटिन्यूअसली चला सकते हैं? चला तो सकते हैं लेकिन इजाजत नहीं, इजाजत नहीं है। क्या होता अगर चलाएंगे? सुजुकी स्विफ्ट, होंडा सिविक, करोला, अल्टस, ऑडी, प्राडो, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, सात कारें लाहौर से इकट्ठी स्टार्ट होती हैं,
120 को में एंगेज रहती हैं तो कितनी डिफरेंस से पहुंचेंगे अपनी मंजिल पे? तो फिर इतने वो डिफरेंशिएशंस क्यों है? कंफर्ट कंफर्ट वेरी गुड आगे बोले लग्जरी अगेन ब्रांड भी आ जाएगा ब्रांड आ जाएगा मॉडी पे गए थे ऑडी पे गए थे फेसबुक पे होगा पता चला भी लेंगे उधर की ऑडी थी आगे लूटने वाले पहले बैठे हो और स्टेटस हमने मोटरवे पे रहना है आपके वो चारों तरफ बाहर चल रही है मैंने इसलिए मोटरवे स्पेशली मेंशन किया इस पर जानबूझ के हम मंजिल पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि पाथ पे जर्नी पे फोकस कर रहे हैं टूल्स पे कर रहे हैं आपने टूल्स का वर्ड बहुत ही टेक्निकल टर्म है और जर्नी के अलावा बाकी सारी डेस्टिनेशन के अलावा बाकी सारी चीजों पे फोकस है ऐसे ही है हम अगर टूल्स को रेफर करें तो हम अपनी जर्नी में कुछ अच्छा इस्तेमाल करेंगे तो कंपैरिजन नहीं है एक बंदा स्विफ्ट पे जा रहा है एक ऑडी पे बैठा उसका कंफर्टेबल लेवल जो है तो अगर मंजिल में पहुंचने स्विफ्ट वाला पहुंच के थक जाएगा अच्छे टूल्स यूज किए हैं तो अब यार क्रोला ले लो वही अच्छे टूल्स उसने यूज किए हैं तो वो कंफर्ट रहा है ठीक है और थका नहीं है ट्रैवल में उसने तो ये चीजें अच्छे टूल्स हैं वो आपका एयरपोर्ट तो करती अच्छा तो इसका मकसद है कि हम डायरेक्ट बीएमडब्ल्यू या प्राडो पे जंप कर दें किस गाड़ी के ज्यादा आपको पड़ते हैं तो बेसिकली आप जो है हमारा अभी तक हमने ये डिस्कस किया या ये आप लोगों से मैंने सुना है कि हम मंजिल से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं जब भी आपको थोड़ा सा कहीं से उंगली उश्कल आई दो चार पेड़ ज्यादा मिल गए या फिर देखा यार इसमें तो हो सकता तो आपने मंजिल को कहा बाहर में जाए यार सेल्फियां पहले जरूरी है दोस्तों को इम्प्रेस करना बड़ा जरूरी है दिस इज द पॉइंट डिस्कस करते हैं तो ये जो जब हम अपनी पाथ अपनी जर्नी और इन चीजों को डेस्टिनी को आपस में इंटरलिंक नहीं कर पाते देन फिर हम क्या हो जाते हैं मेंटली अनसेटिस्फाइड या डीमोटिवेट हो जाते हैं ठीक है या डिसीजन तो ठीक लिया था यह तो ठीक था बट हम उस वक्त ना अपनी मंजिल को अपनी जो एंड रिजल्ट है उसको देख लेते हैं तो वेरी फर्स्ट टूल जो है जी मंजिल की बात करें कैसे मंजिल से बढ़कर मंजिल तलाश कर मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर हर इंसान की ख्वाहिश तो जिसको आगे बढ़ने की यानी इसके अंदर से अगर मैं इसको समराइज करूं कि जब आपको एक मंजिल मिल जाए तो अपने वहां ठहरना है फिर आगे बढ़ना है तो इसी रीवेंट मंजिल अपनी आगे आगे अपने गोल्स बड़े करते रहने हैं अगर आप एक गोल पे आके रुक जाएंगे तो वो भी आपको क्या करेगा स्टैग्नेट कर देगा रोक देगा ठीक है यानी आप चेंज नहीं होना करेंगे फिर रुक जाएंगे ना एक जगह पे आपका मकसद क्या है अगेन आगे बढ़ना ठीक तो हम कहां पे थे कि जब मंजिल और रास्ता मोटरवे के रास्ते में कलर कार के पास है कहीं पे तो मंजिल और रास्ता जब इन दोनों को हम डिफरेंशिएट नहीं प्रॉपरली करते जब इन दोनों के अंदर हम प्रॉपरली अपने आप को इनके जब वो बैलेंस आउट नहीं कर पाते अपनी डिसीजन मेकिंग के अंदर
या फिर इन दोनों का हम समझते हैं कि सेम ही चीज है। और आप नोट भी कीजिएगा, अपने आप को कैथारसिस कीजिएगा कि जब हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं तो हम ज्यादा रस्ते की दुआ मांगते हैं। तो इसी तरह हम जो हमारी बुक है रीवैम्प एंड विन, वो बेसिकली 11 थ्योरीज का मजमू है। उसकी स्टोरी कुछ इस तरीके की है कि दो फ्रेंड हैं एंड वन फ्रेंड सेम एज ही उसकी जो मंजिल है वो उसको खो गया, खो बैठा है। उसकी जो पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ है दोनों जो हैं बहुत ज़्यादा मुश्किल का शिकार है, घबराहट का शिकार है, बेगम से रोज़ाना लड़ाई होती है और दिस एंड दैट जो चलता रहता है। देन उसका एक और फ्रेंड जो उसको सारा मोटिवेट करता है, टेक हिम थ्रू डिफरेंट कह लें कि जर्नीज, लाहौर पूरे का चक्कर लगाते हैं, डिफरेंट थ्योरीज वो उसको बताते हैं कि यार इस तरह की थ्योरी अगर जैसा ये सिचुएशन हो रही है तो डोंट गेट वरी, ये सबके साथ होता है, ये तो वो इसका मकसद जो है तुम्हें मोटिवेट करना है, तुम्हें सिखाना है, इसे घबराना नहीं है हमने। तो ये बेसिकली दो बंदों की, दो दोस्तों की जर्नी है, उसमें से कुछ हम अब थ्योरीज निकाल लेते हैं और उनको हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। कुछ थ्योरीज निकाल लेते हैं। और आपने कभी चूंटी को देखा है? चूंटी, चूंटी को आप जितना मर्जी डिस्ट्रैक्ट करें वो क्या करती है, उसके ऊपर हाथ रख के देखें, उसके रास्ते में हर्डल लगाएं, क्या चीज क्या करती है, क्या करेगी, क्रॉस करेगी या रास्ता ढूंढेगी, दूसरी तरफ मूव हो जाएगी, यानी रास्ता निकाल लेगी, कहाँ कहाँ पे जाने का रास्ता निकाल लेगी, जहाँ जाना है वो क्या है, मंजिल पे अपने टारगेट को लाजमी अचीव करती है वो जो है चूटी। तो ये हमने एक एंड थ्योरी बना के ना बुक में डाल दी जो एक्सप्लेन करने के लिए। तो बेसिकली चूटी के क्या फीचर्स हुए, हार्ड वर्क आपने कह दिया, फोकस्ड और कंसिस्टेंट है अपने टुवर्ड्स, फोकस्ड और कंसिस्टेंट है, और रोल मॉडल तो नहीं चूटी में बना ले, बना लेगा रोल मॉडल, और क्या करैक्टरिस्टिक्स है, हरकतों से लगता है कि वो मोटिवेटेड है, मोटिवेटेड लगती है, वो भी लेक्चर सुनती है हमारे चूंटी के। तो हमने उस बुक में ना तीन करैक्टरिस्टिक्स चूंटी के एक्चुअली बेसिकली प्रेजेंट किए 3F के नाम से, फोकस्ड, फियरलेस एंड फॉरवर्ड। चूंटी कभी मुड़ती नहीं है, ठीक है, रास्ता चेंज करती है। फोकस से क्या मुराद है, फोकस से फोकस रहता है उसका जो है अपने गोल के ऊपर, मेंटल फोकस, बिजनेस जो काम करना है करना है, करना ही करना, अपनी मंजिल तक पहुंचती है हर हाल में, मंजिल तक पहुंचती है। अगर फोकस है तो डिस्ट्रैक्शन जो है वो कम अफेक्ट करेंगे उसको। अच्छा, यानी एज लॉन्ग एज योर आईज ऑन योर गोल यू हार्डली सी एनी ऑब्स्टेकल, ऐसे ही है ना, कि अगर आपका फोकस क्लियर है, अगर आपका विजन क्लियर है, अगर आप स्ट्रेट देख रहे हैं, घोड़े की वो टांगे जब चलाने वाले थे उसकी साइड पे क्यों रखते थे, फोकस स्ट्रेट, ऐसे अंदरून लाहौर में जो टांगे चलते थे उसके वो घोड़े की उसका विजन बनाते थे ना, फोकस, डिस्ट्रैक्शंस ना हो। तो फिर वो हमने चूंटी से क्या सीखा, पहला फोकस्ड, अभी हमने फर्स्ट उससे चीज सीखी फोकस्ड। होते जब आप फोकस्ड होते हैं ना, जब आप एक डेस्टिनी को मान लेते हैं कि दे या मैंने मंजिल है, मैंने पहुंचना ही पहुंचना है, देन ऑटोमेटिकली आप फियरलेस होने लग जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप घबराहट का शिकार, सबसे मुश्किल चीज ना किसी भी जर्नी के अंदर वो क्या है, फर्स्ट स्टेप, ऐसी है, जब फर्स्ट स्टेप हो गया तो उसके बाद क्या हो गया, फिर बाकी कदम खुद ब खुद ही बढ़ जाते हैं। आप कहें आज आप कंपनी खुलवा के जाएंगे अच्छा हम उधर वापस आते हैं, फियरलेस, सेकंड क्या था, 3F में से हमारा फियरलेस। सेल्स मैनेजर्स का गोल बड़ा डिफरेंट होना, क्लियर होना चाहिए, विजन क्लियर होना चाहिए कि व्हाई दे आर सेलिंग दिस। और मैं एवरी सिंगल पर्सन इज सेल्समैन मेरी नज़र के अंदर, बेशक वो सेफ्टी का हो, एनवायरनमेंट का हो, प्लानिंग का हो, इंजीनियरिंग का हो, क्वालिटी का हो, क्योंकि हमने क्या करना, अपने आप को सेल ही करना होता है, सारा दिन अपने आप को सेल ही कर रहे होते हैं,
कभी बॉस से बचाने के लिए अपना को सेल कर रहे होते हैं, सर नहीं सर मैंने नहीं सर किया था, फलाने नहीं सर किया था, अपने वो चाहने के लिए सीवीज के ऊपर जो हमने लिखी होती है इतने ज़्यादा लवाजमत, वो भी हम सेल ही कर रहे होते हैं अपने आप को। फेसबुक पे जो सेल्फियाँ बार बार लगा रहे होते हैं, सेल ही कर रहे होते हैं कि यार फलां मेरे से दोस्ती कर ले, फलां मेरे से दोस्ती कर ले, वो मुझे लाइक कर ले, मुझे थम्स मिल जाए, हार्ट मिल जाए, इस तरह की चीज़ें मिल जाएँ। तो हम क्या कर रहे हैं सारा दिन, सेल्स का प्रोफेशन ही चला रहे होते हैं ऐसे। बिल्कुल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? जी बिल्कुल कर रहे हैं। तो सेल्स जो है ना बैकबोन है हर चीज की, किसी भी चीज। तो आपने फियरलेस जब होना है तो अपने सेल्स डिपार्टमेंट को नहीं भूलना, आप सेल्स डिपार्टमेंट जरा फियरलेस हो। सेल्स का विजन और डेस्टिनी क्या है? क्लाइंट नॉट कस्टमर। क्लाइंट क्या होता है? जो आपकी खुद परचेज करे ना करे बट रेफर बहुत ज्यादा करता है, वो अपने बलबोते पे दूसरों से बहुत ज़्यादा सेल्स ला के देता है। तो जब हम कस्टमर ओरिएंटेड हो जाते हैं सेल्स डिपार्टमेंट, जब मैं भी कस्टमर ओरिएंटेड हो जाता हूँ तो फिर मैं क्या करता हूँ, डेली रोजी डॉट पी के चेक करने लग जाता हूँ कि रोजी डॉट पी के पे कोई जॉब आ रही कि नहीं आ रही, आ रही कि नहीं आ रही। लेकिन जब मैं क्लाइंट ओरिएंटेड हो जाता हूँ, अपनी मंजिल पर वापस आता हूँ अपने आप को झंझोड़ के, तो फिर मैं रोजी डॉट पी के या करियर मीडिया वगैरह वेबसाइट नहीं देखता, फिर मेरे पास डिफरेंट आइडियाज आने लगते हैं, फिर मैं बैठक नहीं प्लान करने लग जाता हूँ, फिर नए कुछ आर्टिकल लिखने को प्लानिंग करने लग जाता हूँ, फिर डिफरेंट चीज़ें करें। तो बेसिकली हम बीइंग अ सेल्समैन भी ना अपने को क्या करें, डिस्ट्रैक्ट करें, और डिस्ट्रैक्शन की सबसे बड़ी वजह क्या है कि हमारी मंजिल हमारे में क्लियर नहीं है। थर्ड एफ था फॉरवर्ड, चूंटी कभी वापस नहीं जाती, ठीक है, ऐसे ही हमने कहा था चूंटी के ऊपर हाथ रख के देखें, हर्डल रख के देखें, तो वो चूंटी बेसिकली पाथ चेंज कर लेती है अपना, ठीक है, जो आपका मोड है मीडियम है उसको चेंज कर लेती है, बट अपनी डेस्टिनी कभी चेंज नहीं करती। एक्चुअली वी स्टार्टेड द डिबेट ऑन टी बैग थ्योरी। व्हाट इज द टी बैग थ्योरी? टी बैग, हैव यू एवर सीन द वर्किंग ऑफ दैट टी बैग, जो हम डिप करते हैं उसके अंदर? टी बैग में क्या होता है, आप चाय में गर्म पानी में क्या करते हैं? टी बैग थ्योरी सेपरेट है टी बैग। यस, टी बैग, टी बैग में क्या है, आप गर्म पानी में क्या करते हैं? डिप करते हैं। तो क्या एक मतलब डिप करने से चाय बन जाती है? सही गाढ़ा रंग निकले, ऐसे ही है। तो बेसिकली ये हॉट वाटर क्या है? व्हाट इज दिस हॉट वाटर? एनवायरनमेंट। हाँ बोलो। एनवायरनमेंट है हमारी सबसे। हाँ बोलो। हैं बिल्कुल बिल्कुल। चाय बनाने के लिए पानी। अच्छा, और हॉट वाटर क्या है? यही है कि वो हमें एक जो फिजा है जिसमें हमने आगे चलना है, बढ़ना है, हमारा जो रास्ता है, मतलब बहुत सारी चीजें इसमें शामिल हो जाती है। हाँ। इसमें आगे हमने कंटिन्यू करना। यस, तो हॉट वाटर बेसिकली क्या है? टफ ऑफिस की पॉलिटिक्स, ऑफिस की पॉलिटिक्स, घरेलू लड़ाइयां, ठीक है, और जॉब का टफ एनवायरनमेंट, जॉब का ढूंढना, ठीक है, बिजनेस को नीचे जाने से बचाना, लोगों को डीमोटिवेट रखना। तो बेसिकली जो जिंदगी है वो क्या है? ऑफिस की लड़ाइयाँ जो करा था, ये बड़ा ही मजेदार। ऑफिस में पता नहीं क्यों ऐसे लोग होते हैं, मतलब हमें भी था, मतलब उनका मिजाज ही सास जैसा होता है, उन्होंने किसी बंदे की अच्छाई नहीं दिया, उन्होंने बस जिसके पीछे पड़ गए वो पड़ गए, इनका तजर्बा ये है कि उनको ऑफिस में कोई अच्छी औरत तो मिली को नहीं, सास मिल गई। मैंने एक इस्तारे के तौर पर। अच्छा, एज एन एग्जांपल, एग्जांपल है मैंने। सही, ये एग्जांपल है मिजाज ऐसा। हम कैमरे में कह देते हैं कि आप मोहब्बत की दवाई बढ़ाते हैं, पर उनका मिजाज ऐसा होता है, और मैं सर अपनी मोहब्बत की दवाई बढ़ा दें। नहीं, लोगों की खराबियां ढूंढेंगे ना तो हाँ अपने आप सही बात है। तो बेसिकली व्हाट इज दिस हॉट वाटर? लाइफ, ठीक है, जिंदगी जो हम गुजार रहे हैं, ठीक है, जैसे हमें उल्टे सीधे हर वक्त ख्याल आते रहते हैं, या फिर जिंदगी में जो मुश्किलात और परेशानियां हमारे सामने आती रहती हैं,
बीइंग अ सेल्स पर्सन जो सेल्स की डील क्लोज नहीं होती है, ठीक है, या फिर जो अनफॉर्चुनेटली इस तरह के वाकयात हमारी जिंदगी में आ जाते, जो अनप्लान्ड इवेंट्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, वो सारे क्या हॉट वाटर ही है। फर्स्ट डिप पे चाय रेडी नहीं होती है, तो व्हाट इज दिस टी बैग? टी बैग क्या है, कौन है? अगर वो आपका एनवायरमेंट है, वो दुनिया है, हम खुद है, कौन है, आप खुद है टी बैग। तो अब आपने डिसाइड करना आप लिप्टन के हैं कि सुप्रीम के हैं। तो बेसिकली दानेदार के हैं, वो तेज दम है, कुछ लोग ग्रीन टी भी हो सकते हैं कुछ लोग। अच्छा, कमिंग बैक, तो बेसिकली व्हाट आर यू, आप लोग क्या है? टी बैग। द मोर यू गेट डिप, और जो आपका एक्चुअल रंग होगा ना, वो निकलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप लेमन ग्रीन टी का डिप कर रहे हैं तो बीच में से ना दानेदार या तेज दम का टेस्ट निकलने लग जाए। तो ये मुश्किलात ही होती हैं जो इंसान को नचोड़ती हैं और उसे उसका असल रंग निखारती हैं। अब कुछ ये अब आपकी किस्मत है, जो चाय पीने वाला है उसको कड़क चाय नहीं पसंद, तो वो दो डिप्स के बाद ही आपसे दो मरतबा करवाए, क्योंकि इसका रंग नहीं निकलता और खत्म। तो कहने का मकसद क्या है, अगेन टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड, टू कीप योरसेल्फ ऑन ट्रैक या फोकस्ड टुवर्ड दैट जर्नी, कि इन मुश्किलात को क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, रिजेक्ट करना चाहिए। फाइनल स्वीम हमारी क्या थी, वो भी अगेन इसी से रिलेटेड है, आपकी जर्नी से रिलेटेड, वो है वर्कआउट थी हुई। वर्कआउट कौन कौन करते हैं? वर्कआउट सारे पेट के तो सारे कर रहे हैं। वर्कआउट थ्योरी के ना बेसिकली ये भी हमने मैंने खुद ही बैठ के बनाई। मैं वर्कआउट कर रहा हूँ तकरीबन 2005 अगस्त या सितंबर में मैंने स्टार्ट किया था, टिल नाउ कभी वीकली वर्कआउट करता हूँ, कभी डेली, डिपेंड करता है कितना टाइम है, बट करना लाजमी है, तब से लेके अब तक वर्कआउट कर रहे हैं। मैंने जिम्स में ट्रेनिंग्स भी दी जब लाहौर में था, जिम में मेरे पास स्टूडेंट्स आते थे, तो मेरा उनको एक बड़ा क्लियर मैसेज होता था कि यार ये जो आपने बॉडी देखते हो, मस्कुलर बॉडी देखते हो, श्रेडेड बॉडी देखते हो, फैट जीरो फैट्स के साथ, या फिर आर्नल्ड की देख ली, आपने ऋतिक रोशन की देख ली, या शान की देख ली, व्हाट्स एवर जो आपके आइडियल्स हैं, ये बाय प्रोडक्ट है। जो मस्कुलर बॉडी दैट इज द बाय प्रोडक्ट, इसका एक्चुअल प्रोडक्ट डिफरेंट और है। आपने उस तरीके से बॉडी बिल्डिंग करनी है तो करो, अगर सिर्फ मसल गेन करना ना तो फायदा कुछ नहीं। इसका असल प्रोडक्ट क्या है जिम का, बॉडी बिल्डिंग का? फिटनेस। फिटनेस इज अगेन मैं कहूंगा बाय प्रोडक्ट, ये असल प्रोडक्ट नहीं है इसका। मोटिवेटेड बनता रहता है। मोटिवेटेड रहता है कैसे रहता है? काम करने का जो स्टेमिना है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लाइक जो है वो सिर्फ मतलब ये है कि अगर मैं ऑफिस से आया हूँ तो आके मैंने जो है वो सिर्फ टीवी देखना है, अगर मैं जिम जाता हूँ तो मैं लेट ज्यादा और जो है और काम में जो है स्पेंड कर सकते हैं, तो बंदा बड़ा स्पिरिटेड रहता है, इसके साथ जो है एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अच्छा, इसको हमने प्रेजेंट किया अपनी बुक में कि बेसिकली बॉडी बिल्डिंग इज अ लीडरशिप स्पोर्ट्स, ये लीडरशिप स्पोर्ट्स है। किस तरह? जब पहले दिन बॉडी बिल्डिंग के लिए आप जिम में घुसते हैं तो आपकी नजर किस पे होती है? अपने आप पे। और जो सबसे ज्यादा फिट हो, तो यानी आपको क्या क्लियर होता है? ऐसा बनना। ये क्या है आपकी? फोकस। यानी बॉडी बिल्डिंग जब जिम में जब आप आते हैं सबसे पहले तो आपको अपनी क्या चीज क्लियर होती है? डेस्टिनी, मंजिल क्लियर होती है। और मंजिल तक पहुंचने के लिए सबसे अहम चीज क्या है कि आप अपने विजन को क्या करें? रोजाना प्रैक्टिस करें या फिर रोजाना उसको याद करें। ऐसी है सराफ तो है। आप अपने विजन को जितना ज्यादा देखेंगे, जितना ज्यादा समझेंगे, जितना ज्यादा अपने पास रखेंगे, उतनी आप समझते हैं कि जल्दी। तो जिम में आके हम वेट उठाए ना उठाए, डंबल उठाए ना उठाए, आर्नल्ड की तस्वीर आएगी, पोज लाजमी बनाते हैं। यानी अपने सबसे पहले आपका क्या है? विजन क्लियर है, आप फोकस्ड है। दूसरा, अपने विजन को बार बार क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं, उसे कम्युनिकेट करते हैं। तीसरी बात आप वाली, शीशे के सामने खड़े होके बाकी सब कुछ छोड़ देते हैं। कौन होता है उस शीशे के सामने? आप और आपका
विजन अगेन, यानी आप इतने फोकस्ड हो जाते हैं, इतने फोकस्ड हो जाते हैं कि आप कहते हैं कि बस ये शीशा और ये मैं, वो हमारे दरमियान कोई नहीं आएगा, आज जो आएगा ना उसको मैं बाहर निकाल दूंगा। अगेन ये क्या लीडरशिप क्वालिटीज है, आप विजुअलाइजेशन करने चले जाते हैं, ठीक है। फिर ये ऐसी चीज है, ऐसी स्पोर्ट्स है जिसमें आपका दिल नहीं बढ़ता, आप डेली इंप्रूवमेंट की कोशिश कर रहे हैं, एक स्टेप आगे बढ़ना का डेली कोशिश करते हैं। अगर मैंने कल 18 किलो का डंबल लगाया है तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि आज 20 किलो का लगाऊं, मैं रुकूंगा नहीं 18 के ऊपर, मैं कमर के कड़ाके निकल जाए या बाजू के कड़ाके निकल जाए, उसके बाद चार दिन मेरी छुट्टी हो जाए, लेकिन मैं एक बार कोशिश लाजमी करता हूँ। तो बेसिकली ये स्पोर्ट्स के अंदर लोग क्या करते हैं, मजीद आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, स्टेमिना अपना गेन करने की कोशिश करते हैं। ऐसा है कि नहीं है, ब्रेक नहीं लगती इसके अंदर। और क्या इसकी वजह हुआ, और क्यों कहते हैं आप ये, और क्या लीडरशिप की क्वालिटीज हैं जो इसे मैच करती हैं? आप आगे बताना शुरू कर देते हैं, आप दूसरों के लिए आइडियल बनना शुरू करते हैं, दूसरों के लिए आइडियल बनना शुरू करते हैं, और आपको अगर कोई गलत काम करता नजर आता है जिम में तो आप उसकी सलाह फौरन कर देते हो, आपसे रहा नहीं जाता। कोई गलत तरीके से बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, किसी ने गलत तरीके से वेट उठाया, तो आपके अंदर से ऐसे खुलबुली सी होती है कि यार ये गलत कर रहा है, खिंच पड़ जाएंगे। तो उस वक्त आप ये नहीं सोचते कि यार मैं इसकी कोचिंग करूंगा, मैं इसके पैसे लूंगा, ऐसे नहीं। आप अपने आप में एक ना बड़ापन फील करते हैं, मैच्योरिटी फील करते हैं, ये भी लीडरशिप की क्वालिटी है ना। किसी एक फन में आपको अल्लाह ने को आला सलाहियत दी है, कोई आपके पास आगे बढ़ने की आग है, आप उसे बांट दें पूरी दुनिया, आप अपने जैसे कई पैदा करके जाए, अगर नहीं किए तो फिर तो आप बेकार है। तो हम आते हैं जो हम कह रहे थे कि जो ट्रू बॉडी बिल्डर जिसमें लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं, जो उस तरीके से करते हैं, ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप शो करते हैं, दे बिकम मेंटोर। वो उनसे देखा नहीं जाता कोई चीज, अगर शख्स गलत कर रहा हो वो कुछ जंप इन करते हैं गाइड करने में। देन उनकी एक और क्वालिटी थी, वो दूसरों से हेल्प मांगने से भी नहीं गुरेज करते, ठीक है। अगर मैं भी कभी बाज कर रहा होता तो कभी जोश में आ जा रहा, पंपिंग आयरन मूवी देख के जिस दिन जाते थे, तो यार आज ना 150 किलो खाना उठा रहा बेंच प्रेस के ऊपर, तो रात चलते किसी को पकड़ के जा रहे हैं, तो थोड़ी हेल्प कर दें, मुझे कभी शर्म नहीं आती थी, उससे पीछे हाथ पकड़ खड़े हो। तो हेल्प मदद मांगना भी ना, ये भी कोई बुरी चीज़ नहीं है किसी से, ठीक। देन वो शीशे के आगे क्यों खड़े होते हैं बार बार बॉडी बिल्डर, मोटिवेट है सर, तो अपने आप को ट्रैक पे रखने के लिए अगेन बॉडी बिल्डर्स जो है वर्कआउट थ्योरी के अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, अपने आप को मेजर करते हैं, चेंज मेजर करती हैं। वो हु मूव माय चीज जो है बुक है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, हु मूव माय चीज, उसके अंदर ये कि चेंज को मेजर करें, वो ट्रैक कर रहे थे अपने आप को साथ साथ। तो और क्या चीज होती है वर्कआउट थ्योरी के अंदर जो मैं अब मैं जब कराता हूँ उसके अंदर, फिर डेफिनेटली वो चीज आ जाती है कि आपका मेंटल लेवल बड़ा अच्छा हो जाता है, आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो बिल्कुल नीचे चला जाता है, आपका थॉट प्रोसेस बहुत एक्यूरेट हो जाता है, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बड़ी अच्छी होती है।